हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी ऑमलेट। इसके लिए मैंने लिया है ये 5 अंडे, ये एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने महीन काट लिया है, ऐसे ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। ये 3 मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, इसको महीन काट लिया है, चॉप कर लिया है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, ये बारीक काट लिए मैंने। चलिए बनाते हैं ना अफगानी ऑमलेट। मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम, अब ऑयल गरम हो गया, अब इसमें हम आलू डालेंगे। इसको तल लेंगे आलू को 5 मिनट तक। आलू हमारे तल गए हैं, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, चॉप करा हुआ है, उसको चला लेंगे 2 मिनट तक। अब इसमें हम हमारा प्याज हो गया है, इसमें हम टमाटर डाल देंगे, उसको हम चला लेंगे 2 मिनट। इसमें डालेंगे हम नमक 1/2 चम्मच, हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, इसको हम चला लेंगे। अफगानी ऑमलेट में लाल मिर्च नहीं पड़ती है, इसमें सिर्फ काली मिर्च ही पड़ती है, इसलिए हमने डाला। आपको अगर डालना हो तो आप डाल सकते हैं। इसको 8 से 10 मिनट तक के ढककर पका लेंगे ताकि हमारे आलू और टमाटर सब गल जाए। देखिए हमारे आलू, ढक्कन हटाते हैं इसको, आलू टमाटर हमारे गल गए हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे तोड़ के। देखिए इसमें मैंने 5 अंडे तोड़ के डाल दिए हैं। अब इसमें हम काली मिर्च का पाउडर ऊपर से थोड़ा थोड़ा डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे। और लो फ्लेम पर इसे 5 मिनट तक के पकने देंगे। हमारा ये ऑमलेट लगभग तैयार है। इस पे हम हरी मिर्चें ऐसे डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। इसको हम 2 मिनट और ढककर लो फ्लेम पर पका लेंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे इसे। देखिए हमारी ये अफगानी ऑमलेट तैयार है। ये खाने में बहुत मज़ेदार होता है, आप भी इसको घर में ट्राई करिएगा। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा।